कंट्रोवर्शियल चीजें तो हम जानना चाहते हैं किरण <laughs> मतलब कम ऑन अगर हमारे यहाँ कोई बैठ के बोलता है कि कास्टिंग काउच नहीं है hmm. तो मैं नहीं मानती अच्छा बिकॉज़ आई वाज द वन जिसने बहुत छोटे-छोटे रोल से शुरू किया और बहुत जर्नी मेरी रही है जूनियर आर्ट एक्स्ट्रास जूनियर आर्टिस्ट सपोर्टिंग रोल मेजर सपोर्टिंग नेगेटिव नेगेटिव लीड एंड देन लीड पे पहुंची हूं इट्स द होल प्रोसेस और जैसे लोगों को लगता है बहुत सारे लोग आज भी मेरे बारे में बात करते हैं और लिखते हैं कि यार तुम जितनी अच्छी एक्टर हो ना तुम वहां पहुंची नहीं हो ठीक है शायद अल्लाह ताला ने इतना लिखा है या इतना ही आ, उनका होगा मैंने अपने हिस्से की मेहनत की है लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस कास्टिंग काउच को भी जिम्मेदार ठहराती हूँ बिकॉज बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो बहुत फेमस हुए बहुत लोगों ने उसको किया वो कास्ट करके डेट्स फाइनल हो गई हैं सब कुछ है सेट पे जाना है और सेट पे जाने से दो दिन पहले मुझे कॉल आती है कि फ्ला डायरेक्टर या फ्ला प्रोड्यूसर आपसे मिलना चाहते हैं एंड इफ आई डिड इन गो तो एक दिन बाद मुझे कहा जाता था कि फ्ला प्रॉब्लम हो गई है और शूट थोड़ा डिले हो गया आपको बताएंगे hmm. और उसके बाद वो चीज़ मैं ऑनियर देखती थी hmm. वो किसी और ने की होती थी सो दिस है लॉट ऑफ बिग प्रोजेक्ट बड़ी अनफॉर्चूनेट रियलिटी है इट्स ट्रू अगर कोई कहता है कि बिल्कुल ही नहीं है तो मैं नहीं मानती और मैं ये भी नहीं कहती कि सब सब यही करके या सबको इसी वजह से सक्सेस मिली दैट्स अ बैड थिंग क्योंकि सबकी अपनी-अपनी मेहनत भी होती है आपके केस में बड़ा पार्ट पाया जरूर जाता है हर एक्टर को कहीं ना कहीं फेस जरूर करना पड़ता है फाइट करनी पड़ती है इससे निकलना पड़ता है कुछ डिप्लोमेटिकली बच के निकल जाते हैं दिस इज असन फॉर दायरिंग अपकमिंग एक्टर्स मैं हमेशा बात करता हूँ कि जो हमारे नए लड़के लड़के हैं जो कि आना चाहते हैं इंडस्ट्री में उनको भी ये अवेयरनेस होनी चाहिए किरण आपको नहीं लगता उनको पता होना चाहिए इन सारी चीजों के बारे में कि सब न... हंकी डोरी नहीं है इतना आसान नहीं है इस इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना कम्स विद इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंजेस पर मैं उनके उनके लिए सिर्फ एक चीज जरूर उनसे कहूंगी कि बेटा है ये चीज और ये शायद हमेशा रहेगी आपको फेस करनी पड़ेगी अगर आप किसी पॉइंट पे वीक पड़ोगे ना तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला आपको वो आदमी या वो इंसान वो आपको वही एक प्रोजेक्ट देगा उस एक चीज के लिए वो एक ही मिलेगा वो आपको स्टार नहीं बना देता तो इसका मतलब है कि आपको अगले प्रोजेक्ट के लिए अगले आदमी के पास जाना पड़ेगा उससे आगे के लिए उससे आगे के पास जाना पड़ेगा आपके पास ऑप्शन ही नहीं होगा तो कुछ कदम पीछे ले लो वेट कर लो मिल जाएगा जो आपका है इन नौ सालों में माशाल्लाह जैसे आपने अभी अपनी जर्नी के बारे में बताया जूनियर आर्टिस से शुरू एक्स्ट्रा से शुरू फिर जूनियर आर्टिस्ट फिर माइनर सपोर्टिंग फिर मेजर सपोर्टिंग फिर नेगेटिव और फिर लीड फिर नेगेटिव लीड फिर नेगेटिव लीड और फिर देन मेड लीड तो ये आप नौ साल आपको लगे इन नौ सालों में आपने बेशुमार

एक्टिंग का अगर मुझे एबीसी आता है तो वो मजर ने सिखाया हाउ टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ कैमरा हाउ टू कंट्रोल योर एक्सप्रेशन हाउ टू कंट्रोल योर आईब्रोज हाउ टू यू नो वेरिएशन आप अपनी आवाज की कैसे करो तो यस ये मुझे मजर ने सिखाया तो उस ड्रामे के बाद मुझे एन एक्टर बहुत कॉल्स आई थी मतलब तो मुझे पहली अच्छा, लोग अच्छा, so, so अच्छा, हाँ, लो, उससे पहले तो हमेशा मैं करती थी ना कि सर मैं किरण ताबीर हूँ और मैंने ये काम किया है तो प्लीज कोई काम हो तो मुझे बताइएगा तो वो मेरे साथ उस प्रोजेक्ट के बाद होने लगा था बट वुड इट बी रॉन्ग अज्यूम कि जो सबसे जो मेजर ब्रेक ब्रेक थ्रू आपका जो कैरेक्टर जो के मतलब मास लेवल पे लोगों ने जिसमें आपको देखा वो परिजाद में था ये हाँ, गलत कंपैरिजन है या ये सही बात है सही है उससे पहले मेरे प्रोजेक्ट हिट रहे हैं मुझे बैक एक्ट्रेसेस की नॉमिनेशन और चीजें भी हुई हैं और लोगों को बहुत सारे कैरेक्टर्स नेम भी याद हैं बट परिजाद इज समेक्स्ट लेवल हालांकि वो प्रोजेक्ट बहुत जनरली मैंने किया था आई I मीन mean. हाँ बताएं ना उसके जनरी के बारे में क्योंकि और आप बीस में आपने किया है तो परिजाद की तरह से बात करें तो वो कोई लीड तो नहीं था हालांकि परिजाद में बहुत सारे ऐसे किरदार थे जो कि लीड नहीं थे परिजाद ही lead था प्रोसेस था या टू बी ऑनेस्ट उस प्रोजेक्ट को करने के लिए सोचा नहीं था आई वेकेशन इन इस्लामाबाद ठीक है मैं कराची से मूव हुई थी नहीं नहीं और मैं फुल चिल कर रही थी तो मैं कराची का कोई प्रोजेक्ट साइन अच्छा एक सेकंड तो आप लाहौर में पैदा हुई लाहौर में पली बड़ी ज्यादा काम आपने लाहौर में किया फिर काम के लिए आप कराची मूव हुई शादी इस्लामा में हुई शादी इस्लामा में हुई <laughs> तो आप काम यहाँ पे कराची में करनी थी हाँ। शादी के फोरन बादची आ गया था दोनों बट अब आप इस्ला में अब इस्लाम अच्छा। उनकी फैमिली तो इस्लामा से आप इस्लामा में ही थी आपके पास परिजन मैं वेकेशन करी थी तो मैं कोई भी कॉल आ रही थी तो मैं साइन नहीं कर थी क्या मुझे कराची नहीं जाना अभी मुझे नहीं जाना बिकॉज मेरा लास्ट एक्सपीरियंस थोड़ा बुरा रहा था वो बारिश से हुई थी करी जी जी तो मैं ऑलमोस्ट

मैंने कहा भाई मुझे खुदा के वास्ते से निकालो मुझे नहीं पे सो आई गो बैक तो मैं कुछ नहीं करी थी कि मुझे कराची नहीं जाना तो मुझे MD से ने, बता दिया। हाँ, सेट कि भाई वो ही लड़के की कहानी है और उसमें बाकी जो सब कैरेक्टर्स हैं वो आ रहे हैं और जा रहे हैं तो एक कैरेक्टर है जो कि एक लौती सपोर्ट है इस लड़के की तो हमें उसमें ना एक्टर चाहिए

जब मैं पहले दिन सेट पे गई और पहला सीन किया तो आई गॉट दैट वाइब अच्छा हम सबको आ गई थी एंड एंड दैट जस्ट बिकॉज ऑफ अहमद व्हाट ही ही वाज वाज डूइंग डूइंग सो ब्रिलियंटली कि मुझे लगा कि नहीं यार ये कुछ निकलेगा मतलब ये नहीं पता था कि हमारा कैरेक्टर निकलेगा पर हम ये पता था कि ये प्रोजेक्ट जरूर ये ड्रामा कोई ना कनेक्ट कनेक्ट जरूर, जरूर करेगा करे। करे कि ड्रामा कुछ अच्छी जगह पे जाएगा मैं अहमद को मुझे याद है मैंने मैं उसको बोला था और उसने पता नहीं और कितने अच्छे प्रोजेक्ट वो देगा तो लेकिन हमेशा ये उसमें बेस्ट में काउंट जरूर हुआ करेगा की अहमद का जब भी इंटर आएगा ना उसके ड्रामा का उसमें परिजाद जरूर होगा